हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ AWD फ्रेम। तो आज लेके हम क्या फ्रेम का लेके बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले। तो बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं देखिए। टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ द फ्रेम वी हैव टू यूज द फॉलोइंग मेथड फ्रॉम jar.awd.frame क्लास। ठीक है, फ्रेम क्लास में से एक ने क्या मेथड यूज करना पड़ेगा। तो कौन सी मेथड? तो मेथड में सेट बैकग्राउंड, ठीक है, और इसमें हमें पैरामीटर पास करना है कलर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो पब्लिक वाइड सेट बैकग्राउंड, देखते हैं एग्जांपल कैसे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, देन ने क्या कलर का रेफरेंस लिया और यहाँ पे ने क्या कलर डॉट रेड किया है, ओके। तो ये जो रेड है ना, इट इज अ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द कलर क्लास। यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है कलर क्लास में, और वो कॉन्स्टेंट कैसा है? पब्लिक स्टैटिक फाइनल है, ओके। और ये कॉन्स्टेंट का रिटर्न टाइप क्या है? कलर। इसलिए ने क्या हमें किसमें होल्ड किया? कलर के ऑब्जेक्ट में होल्ड किया। और ने क्या ये कॉन्स्टेंट रेड कॉन्स्टेंट कैसा है? स्टैटिक होने की वजह से विद द नेम ऑफ क्लास ने क्या मैंने कॉल किया है। तो जो भी ने क्या ये कॉन्स्टेंट क्या रिटर्न करेगा? रेड कलर रिटर्न करेगा और ये सी वेरिएबल में आ जाएगा, ओके। देन फ्रेम के ऑब्जेक्ट पे ने क्या सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल किया, जो इस सी रेफरेंस वेरिएबल में जो कलर आया रेड, वो कहाँ पे पास कर दिया? इस सेट बैकग्राउंड मेथड का पैरामीटर करके पास कर दिया। तो इंग्लिश में क्या हम क्या हमारे फ्रेम का नहीं क्या कलर सेट कर सकते, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते, ओके। सेकंड वे कौन सा है देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल नंबर टू देखिए, अब फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, देन इस वक्त ने क्या हमने कलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, ठीक है, कलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और ये जो कलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो इसमें ने क्या जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें ने क्या हमने क्या किया, RGB वैल्यूज पास की। RGB वैल्यू मतलब रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू पास की। तो यहाँ पे रेड की ने क्या 255 मतलब हाईएस्ट वैल्यू पास कर दी, ग्रीन 0 कर दिया और ब्लू 0 कर दिया। तो इसके वजह से ने क्या ये कंस्ट्रक्टर ने क्या रेड कलर जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा, और ने क्या सी वेरिएबल में ने क्या रेड कलर आ जाएगा, ओके। देन वो नेक्स्ट क्या मैंने फ्रेम के ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल कर लिया? सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल कर दिया। और ये जो सी रेफरेंस वेरिएबल है कलर का, वो किसमें? इस सेट बैकग्राउंड मेथड के पैरामीटर पास कर दिया। इस अप्रोच से भी हम लेके क्या कर सकते हैं, अब फ्रेम का नहीं क्या सेट बैकग्राउंड कर सकते हैं हमें जो जैसा लगे। तो अभी जो है कि हमें जिस तरह से भी लगे, तो यहाँ पे नहीं क्या RGB वैल्यू चेंज कीजिए, आपका नहीं क्या फ्रेम का नहीं क्या बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा जिस तरह चाहिए उस तरह, ठीक है। तो अगर देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, तो मैं यहाँ पे नहीं क्या इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। तो इक्लिप्स ओपन कर लिया, देन फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम ले लेते हैं AWD, ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश बटन, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। देन क्लिक ऑन SRC, राइट क्लिक, देन न्यू, देन सिलेक्ट क्लास। और यहाँ पे हमें इनके पैकेज नेम प्रोवाइड करते हैं com.utamsoft.awt, देन क्लास नेम प्रोवाइड कर देता हूँ सेट बैकग्राउंड डेमो, ओके, क्लास नेम है सेट बैकग्राउंड डेमो। देन आई रिक्वायर्ड अ मेन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर आल्सो, चेक इट, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास क्रिएट हो गया। तो यूजर डिफाइंड क्लास नेम क्या है? सेट बैकग्राउंड डेमो। हमें नहीं क्या फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी किस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा? एक्सटेंड फ्रेम क्लास को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से हो गया। देन जो नहीं क्या सेट बैकग्राउंड डेमो जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें हमें क्या फ्रेम की नहीं क्या फ्रेम की प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा फ्रेम नहीं क्या बाय डिफॉल्ट नहीं क्या विजिबल नहीं होता है, तो इसलिए नहीं क्या हमें फ्रेम को विजिबल करना पड़ेगा। तो कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा? सेट विजिबल मेथड कॉल करना पड़ेगा, और इसमें नहीं क्या वैल्यू पास करना पड़ेगा ट्रू, ओके। तो अभी हमारा नहीं क्या फ्रेम विजिबल हो गया। देन नेक्स्ट देखिए, फ्रेम की साइज प्रोवाइड करते हैं, तो कौन से दिस डॉट सेट साइज मेथड कॉल कीजिए, ओके। तो मैं यहाँ पे इंट विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करता हूँ 500x500, ओके, इस तरह। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, कलर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं क्रिएट न्यू कलर। तो यहाँ पे कैसे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू। तो अभी हमने क्या यूजिंग कौन से कंसेप्ट जाएंगे, हमें कि कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे कलर क्लास का, ओके। तो यहाँ पे मैं कैसे कॉन्स्टेंट कैसे कॉल करूंगा, कलर डॉट रेड। तो इसलिए मुझे रेड कलर चाहिए था, यहाँ पे एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट से देखिए, अब ब्लैक, अब ब्लू, साइन, तो ग्रे, इस तरह से। तो मुझे रेड चाहिए तो मैं रेड सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से हमारा नहीं क्या रेड कलर कौन से रेफरेंस वेरिएबल में आ जाएगा, इस सी रेफरेंस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अभी नहीं क्या फ्रेम का नहीं क्या बैकग्राउंड सेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट बैकग्राउंड मेथड कॉल करना है, दिस डॉट सेट बैकग्राउंड मेथड। और यहाँ पे हमें क्या कलर का रेफरेंस पास कर दीजिए। तो देखिए
जो सी वेरिएबल है ना उसमें कलर आ गया था, वो कहाँ पे पास कर दिया, हमारे सेट बैकग्राउंड मेथड में। तो हमारा फ्रेम का क्या बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, सेट हो जाएगा। ओके, तो बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूजर डिफाइंड क्लास है उसका नहीं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा यूजर डिफाइंड क्लास कौन सा है, सेट बैकग्राउंड डेमो। ओके, तो मैं यहाँ पे एसबीडी कर देता हूँ, देन न्यू सेट बैकग्राउंड डेमो। ओके, तो इस तरह से हमारा यूजर डिफाइंड फ्रेम का भी लेके क्या मतलब ये कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। देन मैं लेके क्या कर देता हूँ, सेट टाइटल मेथड कॉल कर देता हूँ, सेट टाइटल। और मैं लेके हमारी जो फ्रेम है उसको लेकर टाइटल देते हैं, मतलब टाइटल जगह। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, रन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया। ओके, ये हमारा ने क्या जो फ्रेम क्रिएट हुई है, ओके, उसका बैकग्राउंड कैसा हो गया, रेड। तो ये एक फर्स्ट वे से हो गया। तो इस फर्स्ट वे में हमने क्या किया है, कलर क्रिएट किया है बाय कॉलिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ द कलर क्लास। तो सेकंड अप्रोच कैसे, हम कलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कलर सी इक्वल टू न्यू कलर। ओके, और इसमें हम क्या पास करेंगे, आरजीबी वैल्यूज पास करेंगे। तो आरजीबी वैल्यूज कौन से कौन से, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या आरजीबी वैल्यूज, तो ये रेड का 255, देन लेके 0 फॉर ग्रीन, एंड देन क्या 0 फॉर ब्लू। तो देखिए ये भी लेके हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कलर सेट हो गया। ओके, तो ये जो 255 है ग्रीन और ब्लू के साथ 0 है, इसे लेके सी में क्या आ गया, रेड। तो हमारा लेके बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा। लेकिन इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखिए रेड हो गया। ठीक है, इसको अगर हम एडिट करते हैं, यहाँ पे रेड नहीं किया, जो रेड की वैल्यू है अगर 0 कर देते हैं, ओके, और लेके इस ब्लू की वैल्यू नहीं किया 255 कर देते हैं, ओके, तो ले क्या हमारा ले क्या फ्रेम का कलर चेंज हो गया, देखिए ब्लू आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने ले क्या आरजीबी वैल्यू प्रोवाइड की है। ओके, ये जो है ना रेड की 0, ग्रीन की 0, एंड ले क्या ब्लू की 255। ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया हमने कलर क्लास का। ओके, और एक कलर क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा था दोस्तों, आपको मतलब कलर क्लास हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो उसमें कंस्ट्रक्टर था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो कौन सा कलर क्लास का था, देखिए पब्लिक कलर। ओके, उसमें पैरामीटर पास करना था आरजीबी, मतलब देखिए आरजीबी मतलब क्या, यहाँ पे नहीं क्या मतलब हमें क्या नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ आरजीबी वैल्यू पास करना था। ओके, तो अभी हम ये इसका यूज करके नहीं क्या हमने क्या करेंगे, कलर क्रिएट करेंगे, और इसमें लेके हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या पास कर देंगे, कंबाइंड वैल्यू ऑफ आरजीबी। देखते कैसे, तो देखिए तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हेक्साडेसिमल फॉर्म में चाहिए तो 0x लेना पड़ेगा। ओके, 0x हेक्साडेसिमल फॉर्म, देन ले क्या यहाँ पे जो ने क्या कंबाइंड वैल्यू है ना, ठीक है, ये जो कंबाइंड वैल्यू है दैट इज CEFF00, यानी कि कंबाइंड वैल्यू ऑफ आरजीबी है, ठीक है, आरजीबी की कंबाइंड वैल्यू। ये CE इंडिकेट क्या करेगा, रेड की वैल्यू। ओके, जो सी रेड की वैल्यू इंडिकेट करेगा, एफएफ ने क्या इसके ग्रीन, और 00 ने क्या ब्लू का, ये जो भी कलर क्रिएट करेगा, ठीक है, तो कलर होगा, तो हमें बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। हमने क्या आरजीबी वैल्यू है, कौन से फॉर्म में हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, देखिए तो देखिए यहाँ पे निकल लाइम कलर आ गया है। इन दिस वे वी कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फ्रेम।